जैसे कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चों को आए दिन सर्दी खांसी जुकाम ये चीज़ें लगी रहती हैं। काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई क्विक तरीका बताइए जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आज ऐसी ही एक तरकीब मैं लेकर आई हूँ, ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बताऊँगी जो बेशक ही आपके घर में ज़रूर होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें बिकॉज लास्ट में जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वह 100 बीमारी का रामबाण उपाय है। आज मैं बात करने वाली हूँ जायफल के बारे में। आप देख सकते हैं ये जायफल मेरे हाथ में है। जायफल का उपयोग तो हम खाने में करते ही हैं, गर्म मसाले के रूप में आप अक्सर इसे घिस के सिलवट्टे पे यूज़ करते होंगे गर्म मसाले में, और बहुत लोग इसे दूध में मिला के भी पीते हैं जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है। लेकिन इसका उपयोग सर्दी खांसी में स्पेशली ठंडी में कैसे करना है इसके बारे में आज का वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मॉमीज प्लैनेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। देखिए गरम मसाले जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हीट होता है तो नेचुरली वो बॉडी को गर्म रखते हैं, लेकिन जो जायफल होता है इसका ख़ास तौर पे उपयोग बढ़ जाता है। ये जायफल हमारे यहाँ व्रत त्यौहार में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली अभी मैंने व्लॉग बनाया था छठ पूजा तो जहाँ सारे मसाले भी रखाते हैं तो जायफल का भी इम्पोर्टेंस रहता है वहाँ पर। तो इसे कैसे बच्चे को देना है, कितनी मात्रा में देनी है और किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में ये वीडियो है। मान लीजिए आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, 8 महीने से ऊपर है और उसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम है, आप दवाएं दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जिसका उपयोग अगर आप करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंदर से जो उसकी कफ है और अंदर जो ठंड लग गई है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो जायफल है इसे आप लेंगे और सिलवट्टे पे इसे खूब घिसेंगे और जब वो पेस्ट बन जाएगा तो उसे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको एक चम्मच पे लेना है, उसमें दूध मिला के या पानी की मदद से या आप चाहे तो हल्का शहद मिला के बच्चे को एक टाइम चटा दें। इससे क्या होगा, बच्चे की जो अंदर ठंड लग गई है, जो सर्दी जुकाम काफ़ी हो गया, वो ये जायफल जो है वो खींच लेता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने जो पेस्ट बनाया बच्चा नहीं पी रहा है या फिर काफ़ी परेशान कर रहा है तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना, उस पेस्ट को आप लेंगे हल्का सा सरसों तेल में मिलाएंगे और बच्चों की पीठ पे, यहाँ जो रीढ़ की हड्डी होती है जी हाँ, वहाँ पे उसकी अच्छे से मालिश करेंगे, बच्चों की रीढ़ की हड्डी पे अच्छे से मालिश करेंगे, सामने छाती पे उस पेस्ट को सरसों तेल में मिला के अच्छे से मालिश करेंगे। तो इससे भी क्या होता है, बॉडी में गर्माहट आती है और बच्चे को जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैसे घिसना है, कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी, आप इसके बाद एक वीडियो देखें जहाँ मैंने बताया है कि मैं घर में इसे कैसे बनाती हूँ और कितनी मात्रा में बच्चे को देना है। चलिए जल्दी से ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले एक जायफल लेंगे और उसे सिलवट्टे पे अच्छे से धो के गोल गोल एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। आप देख सकते हैं सिलवट्टे पे जायफल थोड़ा सा अपना कलर छोड़ रहा है, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चुटकी पानी रखेंगे और फिर से उसे वापस से घिसेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट जैसा कुछ बन रहा है, क्योंकि हमें इसे थोड़ी मात्रा में देना है तो जो भी पेस्ट तैयार हुआ है उसे हम हाथ की मदद से एक चम्मच पे उठा लेंगे। कुछ इस तरह जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है उसे मैं हाथ की मदद से चम्मच पे उठा लेती हूँ। ये बिल्कुल भी इसका कोई तीतापन नहीं होता है, इसलिए आराम से आप इसे डाइल्यूट करके थोड़े पानी के साथ या फिर इस चीज़ को थोड़े से दूध में मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। इतनी मात्रा में आप 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चों को आराम से दें। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उन्हें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दें। ये लीजिए जायफल का सिरप तैयार है बच्चों के लिए, इसे आप बच्चों को एक टाइम हर दिन दें। तो देखा आपने कितना आसान है इसे देना। एक बार आपने जो जायफल का यूज़ किया है उसे फिर से आप धो के सुखा के रख लें। इस जायफल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज बिल्कुल ज़रा सा यूज़ होता है। इसके अलावा जायफल को आप खाने में इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, आपने गर्म मसाला डाला है तो थोड़ा सा इसको घिस के इसका पेस्ट आप उसमें भी डालें, तो ये क्या है, बाकी लोगों की भी बॉडी गर्म रहेगी। इसके अलावा अगर घर में किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जैसे वो रात में सो नहीं पाते हैं, तो ज़रा सा जायफल घिस के उनके दूध में मिला के उनको रात में सोने से पहले दें। इससे भी क्या होता है, जो नींद की परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है। काफ़ी लोगों को चेहरे पे झाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए भी ये वरदान की तरह काम करता है। उन्हें भी ये करना है, इसका पेस्ट बना लेना और चेहरे पर लगा लेना है, फिर जब अच्छे से सूख जाए तो पानी की मदद से आप धो लीजिए। इसके अलावा आइज़ के लिए, पाचन के लिए ये रामबाण का काम करता है। अगर किसी को पाचन की समस्या है, आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो इसका सेवन ज़रूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको इसमें फ़र्क पता चल रहा है।
एक चीज़ का ध्यान रखना है, मात्रा कितना देना है, बिकॉज छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं होती मसालों की, तो उनको बिल्कुल आप ज़रा सा देंगे जो मैंने दिखाया है वीडियो में। बड़े लोगों को भी आप चुटकी में देंगे, ये नहीं कि फ़ायदा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा घिस के दे रहा है, तो ये नहीं करना है। किसी को भी एक चुटकी ही देना है, क्योंकि ये गर्म होता है, इसका तासीर गर्म होता है, तो अत्यधिक देने से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। और आप बेझिझक बच्चों को ज़रूर दें सर्दी में, आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए ऐसा कुछ कहीं लिखा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं बोलूँगी जब आपके डॉक्टर उससे कंसल्ट करें वो बोले तभी करें, बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग होता है, आपको सूट करे नहीं करे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो बेटर होगा इसे अवॉइड करना, बिकॉज इसका तासीर गर्म होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कों को उसे देना चाहिए लड़कियों को नहीं देना चाहिए क्योंकि गर्म होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मात्रा आप सीमित रखो और आराम से लड़के हो या लड़कियां उनको ज़रूर दें। एक चीज़ आप ये भी कर सकती हैं, जहां बच्चों के लिए मालिश के तेल रखती हैं उसमें एक जायफल को हल्का सा घिस के उसमें छोड़ दें और हमेशा सालों भर रखें। इससे क्या होता है, जो जायफल है वो धीरे धीरे अपना असर तेल में छोड़ते जाता है और बच्चों की बॉडी में पेन जो होता है वो कम करता है, गर्माहट देता है, उन्हें स्वस्थ रखता है। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी है तो वहाँ भी अगर जायफल आप घिस के लगाते हैं तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा जायफल का तेल भी आता है जो दांत दर्द में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अगर हेडेक है तो उसमें भी उसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 100 बीमारी की एक दवा है, इसका इस्तेमाल सर्दी ज़रूर करें। कुछ भी डाउट लगे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैसे यूज़ करना, मुझे थोड़ा शक हो रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मैसेज बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। तो ये रहा जायफल, इसका इस्तेमाल करें और मुझे लिख के बताएं कि ये चीज़ें आपके लिए काम की कि नहीं की। तो ये रहा आज का वीडियो, देखते रहिए मॉम्स प्लैनेट इंडिया।